पूर्वी चंपारण के सुगौली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र के नकरदेई में मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंसक झड़प हुई है। घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, वहीं कई अन्य लोगों को चोटें आई हैं। यह घटना आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। घटनास्थल से आए वीडियो में देखा जा सकता है कि हल्की नोकझोंक के बाद भीड़ बेकाबू हो जाती है और एक मुखिया के घर पर जमकर पत्थरबाजी और गोलीबारी होती है। घटना में मुखिया व मुखिया पति द्वारा करीब 20 राउंड गोलीबारी का आरोप अपने विपक्षियों पर लगाया गया है। अपने बयान में क्या कह रहे हैं वर्तमान मुखिया और मुखिया पति, सुनिए। मामला है मैडम, मामला तो यह है कि ये लोग बहुत दिन से हम लोग पर हमला कर रहे हैं, हमारे पति हमारे लड़का पर। जब भी हमला होता है इन्हीं लोग के द्वारा होता है, यही लोग जो के द्वारा, जैसे कि हाजी मंसूर का पूरा परिवार, उनका खानदान जितना है सब, बहुत खानदान है उसका। आज हुआ है कि गोल जा रहा था हमारा बच्चा लोग गोल नहीं खेलते हैं, लाठी उठी इन लोग को लूर नहीं है, ये लोग नहीं खेलते हैं। घर में थे डॉक्टर, उनका कुछ नहीं, लोग यहाँ हाथ में था, ये लोग बाहर निकला है लोग देखने के लिए, वो सब गोल बाहर जाके और लोग को बाहर कर दिया, गोल चला दिया आगे, उसके बाद ये सब आया है आके हमला कर दिया है। गोली पहले तो ईंटा चलाया है सब, ईंटा तलवार लिए था डंटा फरसा से फोड़ रहा था ईंटा चला रहा था, उसके बाद जब लोग भागने लगा है तब तो गोली चलाया सब, 20 राउंड गोली चलाया है सब। और एसपी साहब से मेरा आग्रह है कि वो हम लोग का अच्छा से अच्छा कड़ी से कड़ी सुरक्षा का इंतजाम करें। हमारे पति पर हमेशा हमला होता है, हमारे बच्चा लोग पर, हमको हथियार का लाइसेंस दिया जाए। हमारे पति पूर्व मुखिया है, उसके बाद अभी वर्तमान मुखिया हम हैं। ये जो कल रात का भी 2:30 बजे रात का भी हमारे घर पर धावा है लोग, बोला है लोग, और आज दिन के भी पूरे पंचायत पूरा इलाका के लोग था उस समय भी हमारे घर पर धावा बोला लोग, जो इनका इनको इनका दो ठो लड़का को मार से जान से मार देना है। हाजी मंसूर का पूरे परिवार पूरे खानदान, जफुल्ला खान का पूरे परिवार पूरे खानदान, ये यही दो आदमी का है, बाकी गाँव के लोगों से कोई मतलब नहीं है। प्रशासन के सामने ही लोग मतलब हम पर वार किया है, हमारा मतलब 8-10 आदमी घायल हुआ है, गोली चला है 10-12 राउंड गोली चला है, एक आदमी हमारा गोली से घायल है, फरसा से घायल है, रड से घायल है, मतलब 10 आदमी घायल है जो हम सदर ऐसी मोतिहारी मनी हॉस्पिटल में अभी हम उनको भेजे हैं। वहीं इस घटना में घायल लोगों ने क्या कहा वह भी सुनिए। तीनों आए हैं अनाधुन तलवार फांसा बंदूक राइफल पिस्टल एला अनाधुन गोली लगा लो चलाने, अभी लोग क्या घर में था लो मुखिया जी पूरा फैमिली गोल चला गया था, फिर उधर से लौट के आकर एकदम हमला कर दिया लो, अभी लोग डरे गोली जब चलाया तो उनका लड़का अमन खान के लगा है, अमन खान के गोली लगाया दो चार आदमी के, सफला खान और आदमी के फांसा से तलवार से काट दिया है लोग, अख्तर खान अभी 10 है, इधर से 12-14 आदमी घायल है, गोली लोग टेंट अपने मन से आके लगा लो चलाने, कोई बात नहीं था, मामला नहीं था, ये चला इसलिए जो भाजपा में है राजद में है इलेक्शन बाद से, ये पापा राजनीति में पूरा समाज को लेके चलते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते हैं कि नहीं हो, और वो लोग चाहता है कि दंगा फसाद हो, पापा उस चीज़ को रोकते हैं हमेशा, हर मुहर्रम में पापा रोकते हैं, उस तरह से टारगेट करके और मंसूर खान आदेश दिए हैं कि सबको गोली मारो और पोखरा में फेंको, उसके बाद डॉक्टर तबरेज खान है मंसूर खान का बेटा, वो राइफल से गोली चलाया है सैफुल्लाह खान के सर पे, अख्तर खान के सर पे, शकील खान के सर पे, सब लग के निकला है, सब ईटा पत्थर से घर में छेद है गोली का, सब ईटा पत्थर से चलाया, सब लाठी फरसा रड मतलब पूरा हम लोग घर तक घुस के मारा है, सब पूरा प्रशासन के सामने, प्रशासन भी गवाह है, मतलब हम लोग को आवाज जहाँ तक आया है कि 20 राउंड से ज्यादा गोली चला है। इस बीच खबर है कि घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेजा गया है जहाँ उनका इलाज चल रहा है, वहीं पुलिस कार्रवाई में जुट गई है।